यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया शांति निकेतन। देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि सूची में शामिल करने सिफारिश की गई थी। 1863 में एक आश्रम के तौर पर स्थापना हुई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में 7 एकड़ जमीन पर इसकी स्थापना की थी, जहां बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया और इसे विज्ञान के साथ कला और संस्कृति की पढ़ाई का उत्कृष्ट केंद्र बनाया। 1901 में केवल 5 छात्रों के साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी। 1921 में इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त की। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के घर शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन का अधिकांश समय यहीं बिताया था।